हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी ट्यूटोरियल्स। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स लेक्चर नंबर 2। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है? तो ए नंबर एस इज कॉल्ड इरैशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, कोई भी ऐसा नंबर एस ले ले, उसको इरैशनल कब बोलेंगे? जब वो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके और पी और क्यू जहाँ हमारा इंटीजर्स है और क्यू हमारा जीरो के इक्वल ना हो, ठीक है? इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख पाएंगे किसी भी नंबर को, तो वो क्या होगा? हमारा इरैशनल नंबर। चलिए एग्जाम्पल से समझते। रूट टू क्या है? रूट टू हमारा इंटीजर्स नहीं है, तो रूट टू नीचे वन है, ठीक है? ये इंटीजर्स नहीं है, ये इंटीजर है वन, ठीक है? और तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि पी और क्यू हमारे क्या होना चाहिए? इंटीजर्स, और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो चलो क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ है क्योंकि यहाँ वन है, बट पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, बट हमारा सिर्फ यहाँ वन इंटीजर है, रूट टू इंटीजर नहीं है, तो ये इरैशनल नंबर हो गया। लाइकवाइज रूट थ्री, रूट फिफ्टीन, पाई, रूट टू बाई रूट थ्री, ये दोनों इंटीजर्स नहीं है, पी बाई क्यू फॉर्म में तो है लेकिन पी और क्यू इंटीजर्स होना चाहिए, रूट टू रूट थ्री इंटीजर्स नहीं है, तो ये इरैशनल हो गया। इसको हम लोग दूसरे आगे थोड़ा समझेंगे, ठीक है? जनरल टर्म में हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट पी, वेयर पी इज ए प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ए एग्जाम्पल ऑफ इरैशनल नंबर, लाइक रूट टू, रूट थ्री, ओके, रूट सेवन, ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इरैशनल नंबर्स। रूट टू, रूट टू की वैल्यू क्या है? 1.414123562357.0... सो ऑन। पाई की वैल्यू 3.14916 सो ऑन। ओके, आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू जो डेसिमल एक्सपेंशन है हमारा वो क्या है? अनस्टॉपेबल है, ये एक्सपेंशन चलता ही जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मीन्स इन द सेंस ऑफ स्टॉप होता है कि रुक नहीं रहा है डेसिमल एक्सपेंशन, एंड नॉन रिक्योरिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, नए नए डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे कोई पैटर्न नहीं है, 41413 कुछ भी आते जा रहा न्यू नंबर्स, ठीक है? तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन रिपीटिंग, नॉन रिक्योरिंग, या क्या बोल सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिक्योरिंग की जगह आप रिपीटिंग वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। जैसे ये वाला एग्जाम्पल, जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये क्या था? 0.10110110110110, ओके, ये सो ऑन, ये अनस्टॉपेबल है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटेशन भी नहीं हो रहा, देख रहे हैं कोई पैटर्न नहीं है, न्यू नंबर्स आते जा रहे हैं, ठीक है? तो क्या होता है? नॉन रिक्योरिंग। क्या बोल सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है? आप डेसिमल एक्सपेंशन से भी पहचान सकते हैं कि नंबर रैशनल है और इरैशनल, और पी बाई क्यू फॉर्म के वे से भी आप देख सकते हैं ये नंबर रैशनल है या इरैशनल। ओके, चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। रैशनल नंबर्स, ए नंबर आर इज कॉल्ड रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसमें क्या है? आप पी बाई क्यू के फॉर्म में किसी नंबर को लिख पाए जहां पी और क्यू हमारा क्या होगा? इंटीजर्स, और क्यू हमारा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल क्या है? 1/2, 1 और 2 दोनों इंटीजर्स है, और क्यू में हमारा क्या है? 2, जो कि नॉट इक्वल्स टू जीरो है, दिस मीन्स दिस इज अ रैशनल नंबर। 2 by 1, कोई भी नंबर है उसके नीचे एक 1 रहता है, ठीक है? ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, दोनों इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर हमारा नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ये क्या एग्जाम्पल हो गया? रैशनल नंबर का। ऑल रैशनल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ओके, 10/3, ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में है, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया ये, और ये क्या एग्जाम्पल हो गया? रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग।
या रिक्यूरिंग के लिए मैंने क्या बोला, आप रिपीटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दोनों एक ही टर्म है, आप जो भी चाहे यूज कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो, जिस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए, या उसका जब डिवीजन करे उसका रिमाइंडर जीरो मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। टू डिवाइड करेगा वन को, आप टू को डिवाइड करें तो क्या आया, रिमाइंडर यहाँ पे जीरो आ गया। क्वेश्चन में क्या है, 0.5, यानी कि डिसिमल एक्सपेंशन 0.5 है, यहाँ पे एक्सपेंशन इसका टर्मिनेट कर गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको समझते हैं। जब हमारा रिमाइंडर जीरो ना आए तब उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लाइक 10/3, जब इसको डिवाइड करेंगे हमारा एक्सपेंशन आएगा 3 डेसिमल 3 3 3 3 3 डॉट डॉट, मतलब 3 आते जाएगा, कंटिन्यू होते जाएगा। आपने 9th में पढ़ा होगा 3 डेसिमल 3 बार, इसको बार बोलते हैं। दिस मीन्स 3 इज रिपीटिंग। ओके, तो क्या हो गई है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन स्टॉप नहीं हो रहा तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। एंड आफ्टर डेसिमल द टर्म इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स रिक्यूरिंग और रिपीटिंग। लाइकवाइज 1/7, 0.142857, अगेन 142857, 142, लाइक दिस टर्म इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर डेसिमल एक्सपेंशन। सो वी कैन राइट 1.42857 बार, दिस मीन्स दिस होल टर्म इज रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल अगेन एंड अगेन, एंड द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। मैं आपके बुक में, लेट पी बी ए प्राइम नंबर, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, अगर p कोई प्राइम नंबर है और p डिवाइड्स करता है अगर a स्क्वायर को, देन p डिवाइड करेगा a को भी, और a हमारा क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आप इसको सिर्फ माइंड में रखेंगे, प्रूफ में काम देगा। कोई भी प्राइम नंबर है अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो p a को भी डिवाइड करेगा। ओके, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को तो p डिवाइड करेगा, दिस इंप्लाई p डिवाइड a, प्रूफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है बुक के, आई थिंक एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रूट टू इज इरेशनल। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि रूट टू इरेशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के जो प्रूफ होते हैं इसको प्रूफ करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से। ओके, क्या करना है, जो प्रूफ करना है उसके जस्ट अपोजिट वाला हम लोग लेकर चलते हैं, इज्यूम कर लेते हैं, मान कर चलते हैं। क्या करते हैं, जैसे बोला रूट टू को इरेशनल प्रूफ करना है, हम लोग क्या मान के चलेंगे, रूट टू रैशनल होगा। ठीक है, फिर कंट्राडिक्ट करके दिखाएंगे कि नहीं, ये हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, रूट टू इरेशनल होगा। चलिए शुरू करते हैं। लाइक लेट अस अज्यूम रूट टू इरेशनल, हम लोग अज्यूम करते हैं कि रूट टू रैशनल है, और हम लोग क्या जानते हैं, अगर कोई भी नंबर रैशनल है तो उसको मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, सो वी कैन राइट रूट टू इक्वल्स टू ए बाई बी, हम लोग यहाँ ए बाई बी लिखे चल रहे हैं। ठीक है, पी बाई क्यू हो या ए बाई बी हो, जनरल टर्म है, रूट टू इक्वल्स टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ओके, एंड ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे एक टर्म है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, प्राइम नंबर तो हम लोग जान गए, ऐसा नंबर जिसका दो ही फैक्टर हो, वन एंड नंबर इट्सेल्फ। ठीक है, को प्राइम में क्या होता है, ये दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन हो, लाइक 2/3, इसका फैक्टर होता वन और टू, इसका फैक्टर होता वन एंड थ्री, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, वन। तो वन को छोड़कर इन दोनों में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, तब वो नंबर क्या होता है, को प्राइम, मतलब बोलेंगे टू एंड थ्री आर को प्राइम। उसी तरह ए और बी, ए और बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होगा और कोई भी फैक्टर इन दोनों में कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, बी को ले जाएंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हो जाएगा, बी रूट टू इक्वल्स टू है। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज द वे टू प्रूफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट
दिस मच स्क्वायर ए स्क्वायर, देन हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लिए हैं, बी का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर और रूट टू इंटू रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है टू। ओके तो क्या हो गया रूट टू इंटू रूट टू टू, टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इससे हम लोगों ने देखा, इससे क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि टू क्या है एक स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय टू, मतलब टू डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, देयरफॉर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। और हमने एक थ्योरम अभी पढ़ा, टू क्या है हमारा प्राइम नंबर। ओके तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ये इम्प्लाई करता है कि पी ए को भी डिवाइड करेगा, टू डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, दिस इम्प्लाई टू डिवाइड्स ए। ओके सो वी कैन राइट, हम लोग ये लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू टू सी, ए इज इक्वल्स टू टू सी फॉर सम इंटीजर सी, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिया गया है, जैसे कि टू डिवाइड्स ए, टू डिवाइड्स ए, टू डिवाइड टू इंटू सी बाई सपोज डेट ए, रिमाइंडर जीरो आ गया, तो क्या लिख सकते हैं डिविडेंड ए इक्वल्स टू टू सी प्लस जीरो, दिस मीन्स ए इक्वल्स टू टू सी, वहीं से ये टर्म आया है ए इक्वल्स टू टू सी फॉर सम इंटीजर सी, कोई भी इंटीजर सी के लिए। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा टर्म आ गया ए इक्वल्स टू टू सी, इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे कहाँ पर इक्वेशन वन में, यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू टू सी इन इक्वेशन वन, वी गेट टू बी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड टू बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर के प्लेस पे लिख देंगे टू सी और उसका स्क्वायर, ठीक है टू बी स्क्वायर, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, टू का स्क्वायर मतलब फोर, सी का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू और फोर टू प्रोडक्ट में है, इसको राइट हैंड साइड लाएंगे इधर इधर आ जाएगा टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर बाई टू कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा टू सी स्क्वायर दिस मच। ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, टू डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, जैसे यहाँ पे लिखे थे टू डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, सिमिलरली टू डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को, और इससे ये पता चलता है ए और बी के पास एटलीस्ट टू तो एज अ कॉमन फैक्टर है, ठीक है क्योंकि टू बी को भी डिवाइड कर रहा है, टू ए को भी डिवाइड कर रहा है, दिस मीन्स टू ए और बी दोनों का फैक्टर है, पर हमारा एजम्पशन था कि ए और बी को प्राइम है, जो कॉमन आएगा, मैंने क्या बोला जो दोनों का फैक्टर कॉमन आएगा वो सिर्फ वन ही होना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, बट हमारा प्रूफ में ऐसा कंक्लूड हो रहा है कि टू भी उसका फैक्टर होगा, ठीक है जो कि हमारे एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट टू रैशनल है, हमने माना था कि रूट टू रैशनल एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, सो वी कंक्लूड डेट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, रूट टू इज इरैशनल नंबर, ठीक है तो जितने भी ऐसे नंबर आएंगे रूट टू रूट फाइव रूट थ्री रूट सेवन, आप उस सब सिमिलरली सबको इसी तरह प्रूफ करेंगे सेम वे में, बस यहाँ चेंजेस आएगा, लाइक रूट फाइव है तो यहाँ रूट फाइव हो जाएगा, बी रूट फाइव हो जाएगा, यहाँ भी रूट फाइव रूट फाइव, ठीक है या फाइव डिवाइड्स ए स्क्वायर आ जाएगा या फाइव डिवाइड्स बी स्क्वायर आ जाएगा, तो उसे आप बताएंगे कि फाइव दोनों में कॉमन फैक्टर है तो जो कि हमारे फैक्टर को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि वो रैशनल नंबर है, सो इट इज अ इरैशनल नंबर, सो वी कंक्लूड रूट टू इज इरैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ करना है प्रूफ डैट 3.2 रूट टू इज इरैशनल। तो मैंने क्या बोला, जब इस टाइप का चीज कोई भी प्रूफ करना हो रैशनल और इरैशनल, तो हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड लेके चलते हैं, हम लोग मान लेंगे कि वो टर्म रैशनल है, ठीक है लेट 3.2 रूट टू इज रैशनल, तो रैशनल है तो हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां ए और बी क्या होगा हमारा इंटीजर्स, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड ए एंड बी आर को प्राइम। आप थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे, टू रूट टू इधर ही है, थ्री को ले गए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड, तो ए बाई बी यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में हो जाएगा माइनस थ्री, रूट फाइव टू यहाँ प्रोडक्ट में है, यहाँ चला जाएगा ये डिवाइड में, वन बाई टू ए बाई बी माइनस थ्री। ओके अब क्योंकि हम लोग को पता है कि ए और बी हमारा इंटीजर्स है, यहाँ से ए और बी हम इंटीजर्स लिए थे, और अगर ए बाई बी
इंटीजर्स है, यानी कि ये a बाई बी क्या बोले थे, अगर a बाई बी इंटीजर्स है, b नॉट इक्वल्स टू जीरो है, यानी कि ये रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर में माइनस थ्री कर दो, वन बाई टू से प्रोडक्ट कर दो, ये रहेगा तो रैशनल ही, रिजल्ट हमारा रैशनल आएगा। इससे ये प्रूफ होता है ये होल टर्म, ये राइट हैंड साइड वाले जितने टर्म है वो भी क्या होंगे, रैशनल। इससे ये इम्प्लाई होता है जब ये क्वांटिटी रैशनल है तो ये क्वांटिटी भी रैशनल होगी, देयरफॉर रूट फाइव इज रैशनल। और जो कि हम लोग जानते हैं कि रूट फाइव इरैशनल है, ठीक है, हमने प्रूफ किया हुआ है अंडर रूट पी, पी जहाँ हमारा प्राइम नंबर होता है वो सारे इरैशनल होते हैं, पर यहाँ रूट फाइव, पर यहाँ पे रूट फाइव रैशनल आ रहा है। तो दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट फाइव इज इरैशनल, ये हमारे फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट फाइव इरैशनल है, तो अब हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रैशनल नंबर इज रॉन्ग, थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर थ्री, नंबर वन, वन बाई रूट टू, ठीक है, इसमें भी प्रूफ करने बोला है कि ये इरैशनल है, प्रूफ करिए। हम लोग क्या मान के चलेंगे, वन बाई रूट टू इज रैशनल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, बगल में आप लिख देंगे वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इधर बी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, बी ए और रूट टू, बी ए इधर आ गया और रूट टू आ गया, क्या है, और ए और बी क्या हमने देखा था इंटीजर्स, बी नॉट इक्वल्स टू जीरो है एंड ए भी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो क्या बोले, कोई भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सके तो वो रैशनल हो जाएगा, यानी कि बी बाई रैशनल है। ये अगर ये क्वांटिटी रैशनल है तो इक्वल साइन लगाओ, यानी कि ये क्वांटिटी भी रैशनल आ रही है, जो कि हमारे फैक्ट को फिर कंट्राडिक्ट कर रहा है कि रूट टू इरैशनल है, हम लोग जानते हैं, ठीक है, तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, वन बाय रूट टू क्या होगा, रैशनल होगा। जब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा, रूट टू, रूट फाइव, रूट थ्री, रूट पी के फॉर्म में, तब आप इसको इस वे से सॉल्व करेंगे, ठीक है, पर जब आपका क्वेश्चन होगा, इस फॉर्म में थ्री प्लस टू रूट फाइव, ओके, लाइक सम होगा या प्रोडक्ट में होगा, ठीक है, रूट पी के फॉर्म में नहीं होगा, तब आपको इस वे से सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रूट फाइव, रूट टू, रूट थ्री इरैशनल है, ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ए बाई बी के इक्वल ले लेंगे रैशनल मानने पे, उसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक साइड में कोशिश करेंगे कि रूट वाले चीज को रखें, लेफ्ट हैंड साइड में रूट वाले चीज को रखें, बाकी सबको राइट हैंड साइड भेज दें, आपका ये वाला साइड आ जाएगा पूरा रैशनल, फिर आप बोलेंगे ये भी रैशनल तब होगा, पर हमारा, हम जानते हैं कि रूट फाइव हमारा इरैशनल है, तो यह हमारा फैक्ट गलत है, हमने माना ही गलत था रैशनल है, सो इट इज इरैशनल, ओके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रैशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.4 हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरम्स है उसमें, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है रैशनल नंबर से रिलेटेड, वीडियो मैं उस पर बनाऊंगी, और आपको जो भी क्वेरी है आप प्लीज कॉमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।